कृष्णा, आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया की कथा। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, अब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया की कथा सुने। इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे कृत युगादि तृतीया भी कहते हैं। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस संबंध में एक आख्यान भी प्रसिद्ध है, उसे आप जरूर सुने। साकल नगर में प्रिय और सत्यवादी देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक धर्म नामक एक धर्मात्मा वणिक रहता था। उसने एक दिन कथा प्रसंग में सुना कि यदि वैशाख शुक्ल के तृतीया रोहिणी नक्षत्र एवं बुधरवा से युक्त हो तो उस दिन का दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यह सुनकर उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा में अपने पितरों का तर्पण किया और घर आकर जल और अन्न से पूर्ण घट, सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, ईख, खांड और सुवर्ण श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। कुटुंब में आसक्त रहने वाली उसकी स्त्री उसे बार बार रोकती थी, किंतु वह अक्षय तृतीया को अवश्य ही दान करता था। कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया। अगले जन्म में उसका जन्म कुशावती अर्थात द्वारिका नगरी में हुआ और वहां का राजा बना। दान के प्रभाव से उसके ऐश्वर्य और धन की कोई सीमा न थी। उसने पुनः बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए। वह ब्राह्मणों को गौ, भूमि, सुवर्ण आदि देता रहता था और दीन दुखियों को भी संतुष्ट करता रहता था, किंतु उसके धन का कभी हास नहीं होता था। यह उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के दिए दान देने का फल था। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस तृतीया का फल अक्षय है। अब इस व्रत का विधान सुने। सभी रस, अन्न, शहद, जल से भरे घड़े, तरह तरह के फल, जूता आदि तथा ग्रीष्म ऋतु में उपयुक्त सामग्री, अन्न, गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, जो पदार्थ अपने को प्रिय और उत्तम लगे उन्हें ब्राह्मणों को देना चाहिए। यह अतिशय रहस्य की बात मैंने आपको बतलाई है। इस तिथि में किए गए कर्म का क्षय नहीं होता है, इसीलिए मुनियों ने इसका नाम अक्षय तृतीया रखा है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।